A18 Pro चिप कितने खतरनाक गेमिंग करा सकती है इस iPhone 16 Pro में, ये आप सोच रहे हो ना, तो भाई थोड़ा रुक जाओ, निराश हो सकते हो आप, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी दिक्कत मिलती है BGMI में जो शायद आपने उम्मीद ना करी हो। और कितना ये हीट होता है, कितना बैटरी ड्रॉप मिलता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। देखो सबसे पहले आप देखो, मेरे रूम में ना AC चल रही थी, तो हमने थोड़े अच्छे कंडीशन में इसको टेस्ट करके देखा है, तो AC भी कुछ ज्यादा हमने ठंडी नहीं कर रखी थी, 28-29-30 पर ही मैं यूज करता हूँ। हाँ भाई, मैं इतने टेम्परेचर पे ही यूज करता हूँ, मैं थोड़ा जितना नॉर्मल हो सके उतना जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल हमने यहाँ पर जो है ना इसकी टेस्टिंग शुरू करी है, स्टार्टिंग में हमारी बैटरी देख सकते हो 92% है, तो यहाँ पर देखेंगे कितनी ड्रॉप होगी और हम लगभग 1 घंटे का गेम प्ले करने वाले हैं BGMI का। सबसे पहले ग्राफिक्स दिखा दूं, तो यहाँ पर हमें एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स का ऑप्शन मिल जाता है, इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं अल्ट्रा HDR पर जाऊँ, अल्ट्रा फ्रेम रेट्स मिल जाता है, और ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर हमें 90 FPS नहीं मिलता है, मतलब स्मूथ में भी हमें 90 FPS नहीं मिलता है। अब ऐसा नहीं है ये फोन जो है ना 90 FPS सपोर्ट नहीं करता, अब जब नया नया फोन आता है ना उसमें ना BGMI वाले अपडेट देते हैं कि भाई इस फोन के हिसाब से इतनी ग्राफिक्स होनी चाहिए, इतने FPS मिलने चाहिए, तो थोड़ा सा वेट कर लो, 90 FPS आ जाएगा और हम इसकी डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे 90 FPS के गेम प्ले करके, उसकी टेस्टिंग करके। तो फिलहाल जो है हम इनिशियल टेम्परेचर दिखाए आपको, तो फोन अभी कोई ज्यादा हीट वगैरह है नहीं, लगभग 35-36 डिग्री सेल्सियस है, और मैं गेम प्ले करके देखता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोअर ग्राफिक्स पर ही करेंगे, मतलब यहाँ पर हम स्मूथ पर एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स मतलब हाईएस्ट फ्रेम रेट पर गेम प्ले करके देखते हैं। तो भाई पूरे गेम प्ले में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है, बिल्कुल स्मूथ मुझे एक्सपीरियंस मिला है, लगभग 60 FPS ही मिले हैं, और ऐसा नहीं है FPS ड्रॉप हुए हो, चाहे वो लैंड करते हुए या फिर रनिंग करते हुए, कुछ भी मुझे FPS में ड्रॉप नहीं मिला है, काफ़ी अच्छे FPS मिले हैं। और ध्यान रखना भाई, मेरी परफॉर्मेंस पर ध्यान मत दो, मैं भाई नू प्लेयर हूँ, मैं प्रोफेशनल गेमिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर मैं कैजुअली BGMI वगैरह प्ले कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कॉन्स्टेंटली 60 FPS मिले, जिसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। तो इसके बाद हमने सोचा कि भाई हाईएस्ट ग्राफिक पर देखते हैं, मतलब हमने चेक करा अल्ट्रा HDR विद अल्ट्रा फ्रेम रेट्स, तो यहाँ पर जैसे मैंने चेक करा ना ग्राफिक्स भाई बढ़िया सुपर हो गई, लेकिन भाई दिक्कत आ गई FPS में। मैं उम्मीद कर रहा था कि हो सकता है भाई 40 FPS तक मुझे मिले, लेकिन मिल रहे थे मुझे ऐसे 25-30-35 FPS, मतलब वो फील हो रहे थे, आपको स्क्रीन पर भी फील हो रहे होंगे, ऐसा लग रहा 25-30-35 FPS मिल रहा हो। तो भाई गेमिंग मैंने करने की कोशिश करी, भाई मुझसे प्ले नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई करके देखा शायद FPS थोड़े इंप्रूव हो जाए, लेकिन वही एवरेज जो है 30 FPS मान के चल सकते हो। उसके बाद हमने सोचा यार भाई मजा नहीं आ रहा, हमने जो है ना ग्राफिक्स को थोड़ा कम कर दिया, और उसके बाद हमने एक्सट्रीम FPS पर ही गेम प्ले कर दिया, मतलब हमने इसको स्टार्ट कर दिया HDR पर और एक्सट्रीम फ्रेम रेट के साथ। तो HDR में भी हमें काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स मिल रही है, और बिल्कुल बढ़िया मतलब चमकदार सब कुछ दिख रहा है, और एक्सट्रीम फ्रेम रेट होने की वजह से कॉन्स्टेंट 60 FPS मिल रहे थे, तो इसमें भी हमें जो है परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया मिल रही थी, एकदम मक्खन परफॉर्मेंस थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, ना ही मुझे फ्रेम ड्रॉप्स मिले। अब देखो लगभग 1 घंटा हमने गेमिंग करने के बाद टेम्परेचर चेक करके देखा, भाई 40 डिग्री से ऊपर नहीं गया, अंडर 40 डिग्री सेल्सियस ही था, लगभग 38-39 डिग्री सेल्सियस ही था, इससे ऊपर नहीं गया, मतलब फोन जो है ना ओवरहीट नहीं हुआ, और इस बार ग्रेफाइट शीट वगैरह यूज करी गई है, तो शायद उस वजह से भी हीट मैनेजमेंट थोड़ा बेटर देखने को मिला हो हमें। तो हीटिंग का इशू फिलहाल तो मुझे देखने को नहीं मिला, बाकी अगर आप चाहोगे कि भाई गर्मी में बैठ के धूप के नीचे बैठ के गेमिंग करके दिखा, तो हम वो भी करके दिखा देंगे आपको। बाकी 1 घंटे में जो हमारा बैटरी ड्रॉप हुआ है ना वो 66% आ गया, पहले 92 था, मतलब लगभग 26% बैटरी ड्रॉप हुई है 1 घंटा गेमिंग में, जो कि यार ठीक ठाक बैटरी ड्रॉप हो गई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भाई आप लगभग 4 घंटे मुश्किल से गेमिंग कर पाओगे, अगर आप अच्छे ग्राफिक्स में लगातार गेमिंग करना चाहते हो BGMI की। बाकी अगर आप चाहते हो पूरा बैटरी ड्रेन करके दिखाए BGMI प्ले करके, वो भी कमेंट में बता देना, हम वीडियो बना देंगे। बाकी मैं वेट कर रहा हूँ 90 FPS का अपडेट आने का, मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाकर देने वाला हूँ, जिसमें दिखाएंगे 90 FPS में कितने हमें फ्रेम रेट्स मिलते हैं, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। बाकी हमने iPhone 16 Pro की और भी काफी सारी वीडियोस डाल रखी है, वो जाकर देख लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लगभग 38-39 डिग्री